हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे। आज की व्लॉग दिन तो हमारा बहुत पहले शुरू हो गया था, लेकिन व्लॉग अभी शुरू हो रहा है। सुबह की मेरी अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स थी इंडिया टीम के साथ, थोड़ा कनेक्ट वगैरह था। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और यहाँ वैष्णवी नाश्ता बना रही है। दिखाता हूँ मैं आपको वैष्णवी नाश्ते में क्या बन रहा है। और ये वैष्णवी की चाय चढ़ी हुई है। कल के हमारे दूसरे हादसे के बाद से वैष्णवी काफ़ी ऐसे सदमे में है। आज का दूध नहीं फटना चाहिए, वो दूध की ही दिक्कत थी, दूध में स्मेल थी। और ये हमारी दलिया सोखी हुई दलिया जा रही है मसाले के साथ, इट शुड बी रेडी सून। और इसके साथ आज फ्रूट्स में हमारे पास है केला। यहाँ हो गया हमारा नाश्ता रेडी, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा दलिया रेडी है, फ्रूट्स हो चुके हैं। मुझे अभी थोड़ी बहुत फिर भूख लगेगी। सो व्हाट है 18 अ डे, लॉट्स ऑफ फूड। ये दलिया चल रहा है, उधर मैं चीटोस खा रहा हूँ। थोड़ी देर में हाफ फ्राई एग टोस्ट खाऊंगा, फिर कोकोनट वाटर पीऊंगा। मैं कल ला इधर लिख लूँ, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहेगा, मैं कोशिश करूँगा, कैप्चर करता रहूँ काम के साथ। वैष्णवी जा रही है अपना काम करने, आपसे मिलते हैं बाद में। सब्सक्राइबर्स बोल रहे हैं तुमने डांस नहीं किया, वो अनसब्सक्राइब कर देंगे। नाचेगा? कब नाचेगा तू? अबू नाचेगा, हमें थोड़ी सी मोहलत दीजिए, थोड़ी सी मोहलत दीजिए प्लीज। आप लोग अनसब्सक्राइब मत करिएगा। सब्सक्राइबर बहुत नाराज हो रहे हैं। नाराज सब्सक्राइबर को नाराज नहीं कर सकते हम लोग, सब्सक्राइबर हमारी फैमिली है। तुम नाचो, अबू नाचेगा, थोड़ी सी मोहलत दीजिए, देखते हैं। क्या बोल रही थी? ये देखिए, ये हमारी कल की दही है जो जम गई है, पर थोड़ी सी और जम दुदाइन है। हाँ, थोड़ी ऊपर से लिक्विड है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ। तुम्हारी हरकत की वजह से। शॉल वगैरह से ढक के अंदर कबर्ड में रखा था। नॉनस्टिक बर्तन है, इतना ठंडा नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों नहीं गर्मी, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है अभी। अब फाइनली जो है मिस्टर कुमार के रिकमेंडेड ऑप्शन इलेक्ट्रिक पॉट में जमेगी दही, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही है योगर्ट का, उसी में जमाई गई। हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल मेथड से जमाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। गर्मी आ जाएगी तो फिर से ट्राई करेंगे। बाकी माइक्रोवेव और अवन में भी कुछ कुछ दिक्कत लग रही थी, तो उसमें भी जमाने का सही नहीं लगा। अब फाइनली आपके इलेक्ट्रिक पॉट में ही जमाई जाएगी और देखते हैं कैसे जमाएंगे। तो मस्त जमेगी, मस्त। तो हम जो इतना सारा दूध लाए हैं वो खराब ना हो, उसके लिए हम दही जम जाएगी, पनीर बन जाएगा, खीर बन जाएगी, दूध ही दूध, बहुत दूध है। कई लड़की 8 लीटर दूध ले आई है। 8 लीटर इससे तो मिलते ही नहीं है। इससे मैंने 4 लीटर लाए थे, वो भी तो खराब ही हो गया। ये रहा खराब हुआ दूध, पड़ा नीचे। तो उतने में हमें 2 गैलन मिल रहा था, तो इतने में 1 गैलन था। कॉस्को में 2 गैलन मिल रहा था, अगली बार गाय खरीद लेंगे। गाय खरीद लेंगे ना, कैसे यही बांध देंगे, यहीं पे एक बंदी रहेगा, लॉन में जगह रहती हॉल में। तो मेरे लिए इससे अच्छा काम ही नहीं कर सकते अगर तुम मेरे लिए गाय ले आओगे। आई लव गाय। गाय बैठ के जुगाली करेगी, तुम्हें बैठ के जुगाली करना। गाय, आपको पता है क्या जुगाली होता है, क्या होता है? अगर नहीं पता है तो अपने बड़े बूढ़ो पुराने लोगों से पूछिएगा, वो बताएंगे जुगाली क्या होता है। गाय जुगाली करती है ऐसे बाहर, ऐसे रेलिंग पे गोबर पाथ देना। नहीं, गाय रख लेना। बस दूध की दिक्कत ही खत्म। दूध फटेगा सीधे गाय को डांट लगाएंगे। इतनी जगह भी खाली, जब तक हमारा फर्नीचर टीवी आ नहीं रहा तब तक हमको यहाँ पे गाय आनी चाहिए। अरे एक पेट का वो आती है, वो इतनी छोटी रहती है, इतनी छोटी रहती है, छोटी से रहती है। हाँ, वो छोटी ही रहती है, वो बड़ी नहीं होती है। कुत्ते की जगह वही पालने का सोचना चाहिए। ये देख लो भाई, ये देख लो, अंग्रेजी मीडियम था, आईसीएसई मीडियम से पढ़े हुए गाय मैं करती है। ठीक है, जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। गाय मू करती, मू
मांग नहीं करती है, मांग करती है, बकरी होती है यूएस में। कोई नहीं, हम इसके स्कूल का नाम नहीं रिवील करेंगे। कैसे करोगे, किस मुंह से करोगे, तुम्हारे भी स्कूल का नाम। हम तो बस 2 साल वहाँ पढ़े हैं, हम भी तो 40 साल बस वहाँ पढ़े हैं। उसके बाद देखो ये हाल है, गाय क्या करती है, ये भगवान मेरे बच्चों को क्या सिखाएगा कोई। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक पॉट में दही लगाई जा चुकी है, इसको मैंने 7.5 घंटे के लिए लगाया है। और यहाँ पे हमारे पास योगर्ट वाला ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दिस इज़ वन योगर्ट ऑप्शन, ये प्रेस किया और 7 घंटे का टाइमर लगा दिया है। 7 घंटे बाद ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, देखते हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर योगर्ट प्रिपरेशन इन इलेक्ट्रिक पॉट, देखते हैं कैसा रहता है। मिस्टर कुमार के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी दही जमती है, पर देखते हैं। ये है मेरा लंच, छोला राइस। राइस थोड़ा तो बुरा दिख रहा है कि मैं छोले रहे चावल से था मिक्स कर दिया है, बट बिग अपडेट, वैष्णवी तो फैन हो गई शाहिद कपूर के। क्या कहना चाहेंगी आप? अभी रिसेंटली जो वेब सीरीज है ना, वेब सीरीज आई है प्राइम पे, क्या नाम है, फर्जी, इट्स टू गुड। फर्स्ट और सेकंड एपिसोड थोड़े स्लो हैं, पेस पकड़ने में टाइम लगेगा, पर थर्ड एपिसोड से इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब शाहिद कपूर की एक्टिंग और काउंटरफिटिंग पे कोई वेब सीरीज थी भी नहीं, ब्रेकिंग बैड की शायद, मतलब मिस्टर कुमार को काफी हद तक कॉपी लग रही है, बट काउंटरफिटिंग पे कोई सीरीज नहीं बनी, सब मोस्टली नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म इन पर ही बन रही थी और काफी चल रही थी। पर ये काउंटरफिटिंग का कंसेप्ट लाके काफी नया कंसेप्ट है, शुरू में थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, बट थर्ड फोर्थ एपिसोड से और मतलब लास्ट आते आते तक तो इट्स लाइक अमेजिंग। फिर रात आधी रात हो जाए रुकने का मन नहीं करेगा, इतनी अच्छी सीरीज है। और शाहिद कपूर अनडाउटेडली ही इज लाइक, जब वो करता है तो लगता है सब फेल है इसके सामने। तो शाहिद कपूर की एक्टिंग एंड कंसेप्ट अमेजिंग। तो अभी हम खत्म नहीं हुआ है मेरा, बट आई एम जस्ट टू गुड, सबको देखना चाहिए। क्या कर रही हो यहाँ पे? मौसम बहुत ही सुहाना है फ्रेंड्स, ठंड तो लग रही है पर मौसम काफी सुहाना है, तो मौसम के मजे लिए जाते हैं। कृपया आप हमारे सब्सक्राइबर्स, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई पत्ती, कोई पत्ती नहीं है, क्या दिखेगा, क्या हवा चल रही है। ये नीचे वाले पेड़ देख लीजिए हिलते हुए, मौसम तो अच्छा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस बादल मौसम है। हाय पीपल, तो गेस करिए इस डब्बे में क्या आ चुका है, कोई भी गेस कर लेगा। हमारा मच अवेटेड पैकेज आ गया है। लोग कहेंगे इनका सारा पैकेज मच अवेटेड ही होता है, ऑब्वियसली अब कोई भी नए घर में स्क्रैच से शुरू करेगा तो उसके लिए हर एक चीज इम्पोर्टेंट होगी। हमको तो एक्साइटमेंट होता है डिलीवरी का, मजा आता है सामान। कितना बड़ा डब्बा है, वही तो इसमें आई है मिस्टर कुमार की चेयर, क्योंकि मिस्टर कुमार पिछले 3-4 दिन से खड़े होके वहां पे 8-8, 9-9 घंटे काम कर रहे हैं। दिस इज नॉट डन, तो फाइनली अब आ गई है उनकी चेयर। चेयर में भी कुछ मोटर वोटर है क्या? चेयर भी हाईटेक है या सिंपल है? चेयर अपने आप आगे पीछे होगी। हे, आगे पीछे होगी? अरे फ्रेंड्स ये देखिए, हमें मिली है हवा वाली तकिया, हवा वाली तकिया मिली है फ्रेंड्स। कितना प्लास्टिक लगाते हैं मतलब। चलिए उधर मुंह करके ही पहले बैठिएगा इससे। खोल ले, खोल ले। नाइस। सुंदर चेयर है, वाइट कलर की। क्या ये चेयर आगे पीछे होगी? आगे पीछे होगी? नहीं, आप थोड़े होगी। तो बटन से होगी? नहीं, ऐसे बैठ के नॉर्मल चेयर पर। अच्छा, हाँ तो मिस्टर कुमार कैसी लग रही है? आपका वर्क स्टेशन काफी अच्छा दिख रहा है, 3 दिन खड़े होके काम करने के बाद आज आपको कैसा लग रहा है बैठ के नॉर्मल तरीके से काम करने में? टेबल आपने नीचे कर ली अपनी हाइट पे, चेयर का कोई स्पेशल फीचर जो आप शेयर करना चाहेंगे? चेयर का स्पेशल फीचर क्या है, बेसिकली एर्गोनॉमिक्स वाला जो ऑफिस वालों में होता है वही है, बैक अब एडजस्ट कर सकते हैं, बैक सपोर्ट, ये कितना आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा, यही सब है। अच्छी लग रही है, व्हाइट एंड व्हाइट। हाँ
वाइट अच्छी लग रही है, वही देखते हैं, देखिए ये वाइट है तो इसका नीचे वाला वाइट कर देते हैं। अच्छी लग रही है, I'm liking your workstation। तो यहाँ हमारी योगर्ट रेडी हो गई है, ये डिस्प्ले में भी बता रहा है योगर्ट इज रेडी। तो इसको हम लोग पॉज करेंगे और देखते हैं। ये बहुत भारी है, तो कुछ ऐसी दिख रही है हमारी दही। इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी और सेट हो जाए। बाकी दही तो हमारी परफेक्ट जम गई है। ये हो गई है हमारे आज के डिनर की तैयारी। वैष्णवी क्या डिनर बन रहा है आज? बन रहा है जुकीनी फ्राई। जुकीनी पहली बार ही ट्राई करेंगे। हमें अभी हमारे लिस्ट में वो भी है, हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर की रिकमेंडेड डिश जुकीनी मशरूम स्टर फ्राई। हमें मशरूम अभी मिल नहीं पाया है, तो मशरूम लाके वो भी हमारे लिस्ट में ऊपर है, वो भी हम बनाएंगे जल्दी। तो वो बनेगा, पर तब तक के लिए आज के लिए हम लोग सिर्फ जुकीनी फ्राई बना रहे हैं। yes. जुकीनी फ्राई और साथ में तेल में बस रोटी, नमक, मसाले डाले अपने, पंचफोरन का देके। हाँ, मैंने पंचफोरन का डाला है। आप कोई भी तड़का ले सकते हैं, जीरा का या राई का। और बस हल्दी, नमक, प्याज, टमाटर भी नहीं डालना है। मसाले थोड़े से हो जाए, जुकीनी एंड दैट्स इट। देखते हैं कैसी बनती है, मेरा फर्स्ट ट्राई है जुकीनी का। ये हो चुका है हमारा डिनर रेडी, जुकीनी की थोड़ी फ्राई की हुई स्टर फ्राई की हुई सब्जी, साथ में रोटी, ढेर सारा घी लगा के। इसके साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज़ यूपीएलए व्लॉग्स। तब तक के लिए बाय।